Are you going to be chief minister for the fourth time? Yeah, this is depends on party decision. पार्टी फैसला करेगी कि आगे किसके नेतृत्व में झारखंड को चलना है जी। तो हमारे लिए यह सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे पार्टी जो फैसला करेगी, एज ए वर्कर मैं काम करूंगा। जी, यू हैव बीन चीफ मिनिस्टर 3 times एंड ऑल्सो यू बीन इन पावर ऑफ 5 years ऑलमोस्ट ऑफ द 14 years द स्टेट इज अराउंड। वॉट इज इट दैट यू फेल्ट यू आर नॉट एबल टू डू अर्लियर एंड वॉट इज द थिंग दैट यू विल डू नाउ? फॉर 5 years यू हैव नॉट ब्रॉट मच चेंज टू दिस स्टेट। What will you do now if you become chief minister? Due to instability, अस्थिरता एक बड़ा कारण है, क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट कोई प्लान को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत जरूरी है। आपने शुरू किया, कोई दूसरी गवर्नमेंट आई उसको बंद कर दिया, तो इससे काम चलता नहीं है, हार्ट बीट नहीं है, ऊपर से नीचे चलते रहे। One thing he has always said, Mr. Suparewala, that all parties eventually become like the Congress party. And I tell you, every time we ask the Congress people, will you be chief minister? They say, not up to me, I'll do what the high command decides. Now you are like, what the high command decides. Why didn't you decide? You have been critical of the Congress in the past. Why don't you say, who is your chief minister so people can vote in advance? And know that person. You would have liked that. National party and federal system में कई बार strategically इस बात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि बीजेपी के लिए या कोई भी पार्टी के लिए उनके विचारों को आप समर्थन करिए, उनके स्ट्रैटेजी को आप समर्थन करिए और जो सिद्धांत है उसको आप समर्थन करिए। उसको समर्थन करेंगे तो आपको हम एक बेटर गवर्नमेंट देंगे। तो पार्टी के आइडियोलॉजी को भी आपको समर्थन करना चाहिए इंडिविजुअल के साथ साथ। जी, आपको जो मेजोरिटी नहीं मिली तो क्या करोगे आप, किससे पास जाओगे पहले? नहीं, अब देखिए ये तो हाइपोथेटिकल मतलब क्वेश्चन है इसका तो। सो व्हेन वी आर टॉकिंग टू द पीपल व्हेन वी आर जस्ट ट्रैवलिंग अराउंड दे सेइंग इज दिस ऑल अबाउट मोदी और इज दिस अबाउट लोकल इश्यूज, व्हाट इज दिस इलेक्शन अबाउट? देखिए, मोदी को पूरे देश ने भरोसा दिया है जी। अगर आप देश के पार्लियामेंट के चुनाव को देखें तो मोदी पर एक भरोसा, एक लीडरशिप के साथ एक आइडियोलॉजी को भी सपोर्ट किया है आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत दिनों के बाद एक ऐसा सिचुएशन बना। दूसरा यह है कि क्लीन मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनी जी। तो अब वो चाहते हैं कि पूरे फेडरल सिस्टम को हम इस तरीके से करें कि एक अम्ब्रेला की तरह तैयार हो जाए और पॉलिसी मेकिंग में प्रॉब्लम नहीं हो। दिस इज परहैप्स द रिचेस्ट स्टेट इन द यूनियन एंड येट द पीपल आर द पुअरेस्ट। व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट कैन डू टू चेंज दिस, बिकॉज़ दिस इज अ वेरी रिच स्टेट, नीड वेरी क्लियर पॉलिसी। क्यों? क्योंकि रिसोर्स होना भी, रिसोर्स कर्स भी उसके साथ होता है। वन मोर थिंग व्हिच वी पीपल वांट टू नो दैट 26% इज ट्राइबल, बट एवरी चीफ मिनिस्टर हैज बीन ट्राइबल। आई मीन 74% इज नॉट ट्राइबल, but every chief minister is tribal, so tribal are more talented leaders. देखिए ऐसा है कि because only 26% led but 100% chief ministers are tribal. तो यदि आप ये कहेंगे कि अगर पूरा देश के पूरे community based analysis करेंगे तो 60 साल में एक बार आदिवासी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। वेल सर, थैंक यू वेरी मच, गुड लक, गुड लक टू बोथ ऑफ यू।